तेरी माँ नहीं अब तक? नहीं आई। क्यों रे, शहर अच्छा लगा कि बाढ़ से डर गई गांव के? वैसा कुछ नहीं चाचा। फिर वो मंदा भाभी भी वहीं पे है ना? हाँ हाँ। और दत्तादा ने भी कहा होगा, इतने दिनों के बाद आई हो तो रहना और कुछ दिन। बराबर है, खूब थक गई है ना, रहने दो उसे और कुछ दिन तक और आराम करने दे से। इसीलिए मैंने उसे नहीं लाया यहाँ पे। शंकर हाँ। इस साल के बाढ़ ने गांव की बहुत बुरी हालत की है ना रे? ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा? मैं तो कहता हूँ गणेश जी ने अपने गांव पर कृपा ही की है। और वो कैसी? संकट आने के बाद ही सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो एकदम सही कहा, एकदम सोलह आने सच। चाचा जो पहले मुमकिन नहीं था वो अब मुमकिन हुआ है। अब तो राष्ट्रीय सेवा मंडल ने भी अपने गांव को जो मदद की है उसे अपना गांव भूल सकेगा क्या? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो कैसे भूलेंगे, हम तो फिर गांव उसे कभी नहीं भूलेगा। चाचा मैं तो कहता हूँ उनकी मदद से अपने गांव का नंदनवन होने को देर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, मगर उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। अरे हमारी सहायता तो बच्चों तुम्हें सदा मिलेगी। हाँ। क्यों डरते हो, हम है ना तुम्हारे पीछे, है ना? हाँ। अरे तीन तीन महीने तुम हमारा कर्जा देता नहीं तो हम करेगा क्या? और हमारे घर में झाड़ लगाए क्या पैसे का? अरे हमको भी हमारे घर में हमारे बाईडी को जवाब देना पड़ता है। तुम अगर हमारा पैसा हमको देगा नहीं तो हमारा धंधा कैसा करेगा? अरे लेकिन पैसा देने को कौन नहीं बोलता है फिर? अब अच्छे बुरे दिन सबको आते हैं। बेटे को अभी तो शहर गांव में नौकरी लगी है, तनखा होगा तो भेज देगा वो पैसे। किस लिए इतना पैसे के लिए उतावले हो रहा है? यानी मंजुला बहन, तेरे छोकरे को शहर में नौकरी लगी है बराबर कि नहीं? उसको तनखा मिलेगा, वो तुझे पैसा भेजेगा और वो पैसा तू मुझे दे, उसका आप तू इंतजार करते बैठ। क्या बोलता है शेठ जी, उसे बैंक में अच्छा तनखा मिलता है। अरे तू तो एकदम गांडी छे मंजुला, तुझे मालूम नहीं वो शहर गांव में पैसा आने को एक रास्ता और जाने को दस दस रास्ते होते हैं। हाँ, उसमें से कुछ बचा तो तुझे भेजेगा ना। तू मुझे मेरा पैसा दे, वो मुझे मगजमारी चलेगी नहीं। तू मेरा पैसा दे, बिल चुकता कर, मैं जाता हूँ। क्या सारी का बिल 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 करता है, देखो तो कितना हुआ है बिल। दिखाता हूँ, डरूंगा क्या? तेरा बिल तुझे बराबर दिखाता हूँ। ये देख तेरा बिल कितना है, सब कुछ बराबर लिखा है, तुम तुम्हारी आंखों से देखो। पूरी रकम कितना होता है वो सिर्फ बताओ। पूरी रकम तो देखो तुम्हारा 6,950 रुपया और 70 पैसा। अरे बाबा बाबा, 6,000! अरे देखो तो कितना बिल हुआ ये। हमको क्या समझता है उसमें? पढ़ने को नहीं बोला मैंने, देखो जरा, देखने को आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? ठीक है, देखो तो देखो। अरे बाबा हर बात, तू तालमेल की फिक्र छोड़ना, पूछो ने बापा, अपना हिसाब एकदम बराबर है क्या? वो तो होगा, पर रकम इतनी ज्यादा कैसी हुई बताओ। कैसी ज्यादा रकम माने? अरे तुम लोगों ने ज्यादा की इसलिए ज्यादा हुई ना। पर इतनी तभी कहती हूँ मैं, तुम्हारे दुकान से हमने क्या हीरे मोती लाए नहीं है? नमक, मिर्ची, गुड़, दाल, ऐसे ही सामान। और खाने वाले कितने? विठोबा रखमाई, ये और मैं। अरे वाह रे वाह विठोबा रखमाई, हे भगवान, तारी घड़ी रे घड़ी माया छे रे बापा, यानी ये कलियुग के विठोबा रखमाई मिले मुझे। अरे एक तो हमारा पैसा टाइम पे वापस करते नहीं और ऊपर तुम हमको ही झूठा कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं घाटी लोगों में, चोरा चा उल्टा बोम्बा। ओ शेठ जी, चोर किसे बोलते हो? अरे किसी को क्या, तुम लोगों को बोलता हूँ चोर। शेठ जी मुंह संभल के बात करो, समझे? ये ऐसा मैं कुछ सुन के लेने वाली नहीं हूँ। हाँ। अरे वाह अरे वाह, यानी एक तो पहला माल खाया, ऊपर से हमारी रकम भी नहीं दी, और फिर मैं तुम्हें चोर नहीं बोलूँ तो क्या राजा बोलूँ क्या? अरे ओ, तुम्हें कुछ लाज शर्म है कि नहीं है? हाँ? एक पराया आदमी अपने घर में आता है, अपने कोई चोर कहता है और तुम चुपचाप क्या खड़े रहते हो? हाँ? नहीं, मैं चुपचाप सुन नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, यानी ये आदमी सीरियसली बोल रहा है या मजाक कर रहा है? हाँ, क्यों जी? आप सीरियसली बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? अरे बाबा हर बा, मैं यहाँ मजाक वजाक करने नहीं आया। मैं यहाँ पैसे लेने आया हूँ, मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, चल ठीक है, मजाक हमें पसंद नहीं है। हे भगवान हे भगवान, क्या कहूँ क्या इस आदमी को? ये देखिए वाणी शेठ, हम तुम्हारा पैसा देंगे पर हिसाब करके जितना होगा उतना ही। अरे इस चौपड़े में हिसाब एकदम बराबर लिखा है, तू पढ़ना नहीं कौन बोलता है? अरे मुझे पढ़ना आता होता तो इतना वक्त किसी लिए झगड़ा करती मैं?
पढ़ के हिसाब किताब करके कब की बता देती तुम्हें? हम आबा गुरुजी से मदद लेंगे। अरबा खोटी बात मत कर, खोटी बात मत कर, मुझे बता लेन देन तेरा और मेरा है कि नहीं? बराबर है ना, लेन देन तेरा और मेरा है, वो बीच में आबा मास्टर को कैम लाते? आबा मास्टर का क्या संबंध है? एक काम कर, ये चोपड़ी पकड़, इसमें समझा हिसाब लिखा है, तुझे कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछना, हूँ कि नहीं मुझे पूछना, वो आबा मास्टर का कुछ काम नहीं। हा? जाता हूँ मैं, जय श्री कृष्ण। अब क्या करेंगे जी? इसका क्या करेंगे, यहाँ घर को आग लगी है और तुमको कुछ लगता ही नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे कैसा विचार करना, अपने बेटे ने भेजे हुए सारे पैसे वाणी शेठ को दे देंगे तो खाएंगे क्या हम लोग? अरे क्या अंधेर खाता हो गया क्या, उसने दूसरों का पैसा अपने नाम लिख लिया होगा। अपने माँ बाप अच्छी तरह से जिए इसलिए मेरा बेटा महीने के महीने पैसे भेजता है, और ये लुच्चो साहूकार। जाने दो, हाली पीली गाली देके और शराब देके कुछ होगा क्या? अपना ही दुर्भाग्य है, दूसरा क्या। हाँ बोल बोल भीमा, ऐसे कैसे हुआ? अरे बोल ना। अरे तू बोले बगैर मैं कैसे समझूंगा? वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो उसकी आदत ही है ना चुपचाप बैठे मार खाने की, आपको तो मालूम है, उसी का फल है ये सब। अरे अरे पर हुआ क्या इतना? मैं बता दूं ना, वो मोरे के खेत पर काम करने जाता है, नहीं है मजदूरी मांगी और मार खा के आया। अरे अरे पर काम तो पूरा हुआ था ना? काम पूरा हुआ तो भी पूरे पैसे देता है क्या वो? हमेशा ऐसा ही करता है वो, इसके जैसे मजबूर लोगों को काम पे रखता है और उनका पैसा हड़प लेता है। अब मैं तो कहता हूँ ये सब लोग मिलके उसका सर फोड़ने जाएंगे ना तो आप बीच में आएंगे। नहीं नहीं, ये उसका उपाय नहीं है। ये देखो है ना शंकर, तू तो पढ़ा लिखा है ना, तू अगर ऐसे बोलने लगा तो गांव वाले मिलजुल के रहेंगे कैसे? मगर गुरुजी उन्हें तो यही भाषा समझती है। और इसमें इन लोगों की कुछ भी गलती नहीं ऐसा समझता है तू? अरे ये लोग दो अक्षर पढ़े हुए होते तो उनकी क्या हिम्मत थी इन्हें फंसाने की? हाँ ये बात तो ठीक है, हाँ पर गुरुजी अभी तो मैंने सोच लिया है, हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप अपने गांव में रखेंगे, देखते उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या इन लोगों में। गुरुजी देखिए क्या है ये, क्या है? अरे वाह 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 भीमा, ये तो खुशखबरी की बात है, अरे बावड़ी के लिए तुझे अनुदान मंजूर हुआ है। वाह वाह क्या बात है गुरुजी, देखो तुम्हें। वाह भीमा, देखा ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। भीमा अब किसी के भी सामने झुकना मत, सर ऊंचा करके जीना है। हाँ अरे अपने पर अन्याय नहीं होना चाहिए तो फिर दो अक्षर सीखना ही चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अब मजदूरी मत करो दूसरों के पास, अरे एक छोटा सा है पर खुद का खेत है ना, उसमें ही अपनी मेहनत लगाओ और उसमें ही कमाया करो, तो फिर दूसरों की गुलामी करके जीना नहीं पड़ेगा तुम्हें, ध्यान में रखो। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे तुम्हारी आरती उतारू के नजर उतारू तुम्हारी? अरे तुमको आबा गुरुजी घर में है या नहीं ये देखने को भेजा था ना के कान साफ करने को? नहीं नहीं, कब से बैठे यहाँ, अब तक कान में वेरुल की गुफा भी हो गई होगी तुम्हारी, नहीं नहीं नहीं, नहीं, फिर भी गुरुजी का घर नहीं मिला, देखा चलो चलो। अच्छा हुआ गुरुजी आप यही मिले, आपसे कुछ काम था। मंजुला भाई अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, जरा जल्दी जाना है। वो क्या कहूँ गुरुजी आपसे, इनको आप घर में है कि नहीं देखने को भेजा था, पर ये एक काम ठीक से नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा करेंगे, हम चलते चलते ही बात करेंगे, चलो। मैं क्या बताऊँ गुरुजी आपको, क्या? वो उस दुकानदार ने हम पे जुलुम किया है, 6,000 का बिल हुआ है ऐसा कहता है, और खाने वाले दो लोग ही हैं हम लोग, ये ऐसा कैसे हो सकता है बताओ आप। ऐसा क्यों करती है, स्पर्धा है तो हार जीत रहती नंदा है, उसमें इतना बुरा क्यों लगा? क्या हुआ ऐसी रोती क्यों है? हाँ
नंदा ये कैसी मस्करी? आज कॉलेज में क्या था पता है ना तुझे? हाँ, कौन सी स्पर्धा थी ना? उसे वाद विवाद स्पर्धा कहते हैं। अब मुझे उसमें क्या समझता है? तू मेरी माँ है ना, तुझे समझना चाहिए। अम्मा वाद विवाद स्पर्धा यानी एक विषय पर दो लोग चर्चा करते हैं। हाँ। जिसका मत सही उसकी जीत होती है। उसमें तो तू हारने वाली नहीं। सच है मौसी, आज कॉलेज में तो नंदा ने कमाल ही किया। हाँ, जैसे तूने कुछ किया ही नहीं। अम्मा आज हम दोनों ने मिलके कॉलेज को बख्शीश दिलवा दिया। अरे वाह, चलो तुम्हारा मुंह मीठा करती हूँ। पहले विषय तो सुन। गृहिणी, यही स्त्री की सच्ची भूमिका। नमस्कार, आज मुझे इस विषय के बारे में कहने का मौका मिल रहा है। अगर देखा जाए तो प्रकृति ने ही भूमिका स्त्री को दी है। घर गृहस्थी तो सिर्फ एक स्त्री ही संभाल सकती है, इसलिए उसे गृहिणी का किताब दिया हुआ है। परिवार के सारे सदस्यों को एक छत के नीचे मिलजुल के रखने वाली भूमिका सिर्फ एक स्त्री ही निभा सकती है, क्योंकि वो दयालु है, वो सहनशील है, वो त्यागी है, उसमें दया है, ममता है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो परोपकारी है, वो क्या नहीं है, वो तो सब कुछ है। इतने सारे गुण एक साथ मर्दों में होना संभव ही नहीं, क्योंकि स्त्री और पुरुष असल में अलग अलग भूमिका निभाने वाले प्रकृति निर्मित पात्र है। दुनिया की किसी भी वस्तु की तरह घर को भी दो बाजू होती है, एक अंदर और एक बाहर। घर के अंदर की रक्षा ये स्त्री की जिम्मेदारी होती है, वैसे घर की बाहर की रक्षा पुरुषों की जिम्मेदारी, क्योंकि पुरुष जन्म से ही कठोर होता है, वो साहसी है, वो निर्भय है, वो ताकतवर है। इसी नजर से उन दो जीवों की रचना की हुई है, इसलिए गृहिणी यही स्त्री की सच्ची भूमिका ये बिल्कुल सही विधान है। अब मैं एक संस्कृत कहावत से मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। गृहम तो गृहिणी शून्य यथा अरण्य तथा गृहम, यानी गृहिणी के बिना घर तो केवल एक वन, एक जंगल। धन्यवाद। गृहिणी यही स्त्री की सच्ची भूमिका। मैं इस विषय पर दूसरे अर्थ से बोलूंगी। अभी आपने सुनी हुई बाजू सच है, फिर भी वो पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। दुश्मन की तोपों ने किले की बुर्ज को उड़ा देने के बावजूद भी हताश न होकर प्रतिकार करने वाली चांद बीबी इतिहास में अमर हुई। वो उसके प्रतिकार करने वाली निर्भयता और साहस, इन दो गुणों से। छोटे से बच्चे को पीठ पे बांधकर दुश्मन के घेरे में चमकती तलवार लेके लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में अमर हुई। वो उसके माया और पराक्रम, इन्हीं दो गुणों से। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली रजिया सुल्तान अमर हुई, वो उसके अतीव शक्ति के बल पर। अपने पति के पीठ पीछे छोटे से शिवबा को युग पुरुष बनाने वाली जीजाबाई आदर्श माता हुई, वो उसके सख्त मिजाज के गुण पर। हम ये कैसे भूल सकते हैं? ये सारी बातें हमें साबित कर देती है कि ऐसा कौन सा गुण है जो स्त्री में नहीं। कमी है तो सिर्फ समझने की, वो समझने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की। और इसीलिए मुझे लगता है कि गृहिणी यही स्त्री की भूमिका ये पूर्ण सत्य न होके अर्ध सत्य है। मेरी सहेली ने अपना मत कहने के लिए संस्कृत भाषा की एक कहावत का उपयोग किया है। अब मैं मेरा मत कहने के लिए एक उर्दू कवि की शायरी आपको सुनाती हूँ। शायर कहता है, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल से तू एक परचम बना देती तो और अच्छा होता। यानी तेरे सर का पल्लू बहुत ही सुंदर है, मगर इस पल्लू का तूने विजयी झंडा बनाया तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ झंडे का ताल्लुक क्रांति ऐसा किया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि स्त्री को इस अदृश्य शक्तियों का प्रमाण देने के लिए हमें इस पल्लू का विजयी झंडा लहराना ही पड़ेगा। बेटी, यह सुबहाने के लिए नहीं,
लोगों पर निछावर करने के लिए है। मैं तुम दोनों की नजर उतारती हूँ। अरे प्रकाश आ गया। अरे चाचा आपके मूंछ का क्या हुआ? अरे आज तक क्यों है, नाई ने यहाँ से उड़ा दी। मैंने कहा सब साफ कर दे एकदम सफा चट। यहाँ यहाँ आजा। अरे कब से राह देख रहा हूँ तेरी, तू तो एकदम साहूकार पीछे लग गया, ऐसे भाग रहा है मुझसे। अरे वो चाचा खास काम के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ से जल्दी। एकदम मुंबई पुणे वालों की तरह बोलने लगा है। अच्छा क्या काम था आपका? काम यानी साल हवा पानी कैसा है? अरे चाचा आप कहीं बाहर गाँव गए थे क्या हवा पानी पूछने के लिए? हवा पानी यानी तू कैसा है यही पूछने के लिए मुझे रुकाया। अच्छा चलो चलता हूँ मैं। अरे बैठ 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 बैठ, एकदम ऐसे कोर्ट की तारीख लगी है, ऐसे क्यों भाग रहा है? जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। बैठ गया, बोलो बोलो, बैठ गया बोलो। प्रकाश सुबह अखबार पढ़ रहा था, क्या था रे उसमें? पेपर में क्या होगा, वही हमेशा का राजकारण, खून डाके बलात्कार, दूसरा होता क्या है पेपर में? और वो फोटो किसका था? फोटो कौन सा? नहीं वो नहीं, क्या वो अमेरिका ने कुछ तो ऊपर छोड़ा है, क्या कहते हैं उसे? हाँ हाँ वो क्या, उसे अवकाशयान कहते हैं। अच्छा मैं जाऊं अभी? अरे जाता किधर है, बैठना। उस अवकाशयान से एक चुटकुला याद आया। कौन सा? अरे बताता हूँ उसका क्या होता है। तीन दोस्त एकदम अचानक मिले, एक था अमेरिका वाला, दूसरा रशिया का और तीसरा भारत का। तीनों भी अपने अपने देश की भलाई कर रहे थे। अब अमेरिका वाला आदमी क्या बोला मालूम है? क्या क्या? हमारे देश ने अवकाशयान ऊपर भेजा और वो अवकाशयान ऐसे आकाश को घिस के गया। घिसके वाले, दूसरे ने पूछा घिसके वाले, तो वो बोला दो उंगली नीचे। जैसे अमेरिका का आदमी बोला वैसे झटपट फटाफट अपना रशिया का आदमी क्या बोला मालूम है? क्या क्या बोला, क्या बोला? बोला तुम क्या कहते हो बाबू, हमारे देश ने पनडुब्बी छोड़ी थी, वो तो एकदम समुन्द्र के तल को, एकदम ऐसे तल को घिसके गई। वो बोला क्या? तो बोला अब नीचे दो उंगली छोड़कर। भारत का आदमी सोचने लगा, अब पनडुब्बी किसके गई दो उंगली छोड़कर, अवकाशयान आकाश को घिसके गया पर दो उंगली छोड़ के। वो बोला ये कुछ भी नहीं, हमारा भारत देश सबसे आगे है। अरे हमारे देश में हर एक इंसान नाक से खाता है दो उंगली ऐसे छोड़ के। वाह चाचा वाह, कहाँ से सिखाया चुटकुला? अब कहाँ से सीखूंगा, अब तुमने मुझे बताया और मैंने तुम्हें बता दिया। अरे चाचा कितने होशियार है आप, पढ़े लिखे होते तो कहाँ से कहाँ जाते थे। अब सोचने का क्या फायदा, बैल गया और घोसला किया, छोटा होता तो स्कूल तो जा सकता था। अरे चाचा अभी भी देर नहीं हुई है। मतलब अब स्कूल में जाने लगो क्या? और पकड़ने दे बच्चों को मेरी धोती। अरे पर सीखने के लिए स्कूल में ही जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में ही सीख सकते हैं। अपने घर में? अपने घर में सीखने के लिए मेरी बीवी का मास्टर नहीं है? अरे मास्टर नहीं किस लिए, मैं सिखाऊंगा ना आते जाते। अरे वाह, फिर तो सोने पे सुहागा हुआ बोलो ना। अरे कब से मैं कोशिश कर रहा था यही कहने के लिए। अरे तू नहीं पूछा हुआ, अच्छा हुआ बाबा। अरे चाचा सीखना कोई कठिन काम नहीं है। जब हर एक को सीखने की इच्छा हो और किसी को सिखाने की इच्छा हो, ऐसा जब होगा ना तब निरक्षरता मिट गई समझिए।
अजय बीमा, ये सब कुछ लेकर कहाँ जा रहा है? खेती पर। खेत पर? अरे वहाँ क्या ढेले है जमीन में, 10 साल से बंजर है वो जमीन। बावड़ी बनानी है। अरे क्या बीमा, तू भी नमूना ही है, दांत कुरदने को दिन कहानी और बावड़ी बनाने चला है। सरकारी है। हाँ, यानी बड़ी पहुँच है तेरी, सरकार ने बहुत पैसा दिया होगा। नहीं। अरे वाह, ऐश करेगा तू बीमा, मुर्गी क्या बकरी क्या, हमें भी बुलाना खाने पे। पैसा मिला नहीं अब तक। फिर पैसा कब मिलेगा? जब काम होगा तब। हाँ तो रोकड़ा पैसा नहीं मिलेगा, फिर क्या फायदा। जाऊँ क्या? या सरकारी अफसर आने वाला है, खेत दिखाना है। जा जा जगने, अब कैसा रहे? अजय कुछ नहीं होता, अभी पैसा नहीं मिला है, चीख चिल्ली की तरह सपने दिखता है, कुछ नहीं होता है ना, यानी बावड़ी नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? सरकारी ठेका 6 महीने रोका। तू खेल खेल तू खेल। मेरा कहना सुनने को तेरे पास वक्त है ना? नहीं, पहले मेरा कहना सुनो। मैं अभी के अभी घर जाती हूँ, अम्मा इंतजार करती होगी। अरे नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत कर। क्यों? अरे सुबह से मेरा सर इतना चकरा गया है ना, कि वो सब तुझे बताए बिना और उस पर तेरी राय जाने बिना मुझे कुछ भी सूझने वाला नहीं। अच्छा तो बता। मधुर गाते हैं ना ये बच्चे? हाँ मधुर गाते तो हैं, पर इसका मतलब समझी क्या? न समझने को क्या हुआ, अपने गांव की तो बात है, एक है तो दूसरा नहीं, ऐसे ही कहना है ना तुझे। अच्छा वो जाने दो, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, तेरी बकबक से मेरा सारा मूड ही चला गया। मेरी बकबक? अरे क्या कह रही है तू? नहीं तो क्या, इंद्रधनुष जैसा मेरा सतरंगी सपना मैंने तुझे बताया, पर तूने एक ही झटके में उसे तोड़ दिया ना। तूने नहीं क्या मेरी सारी खुशी पर पानी फेर दिया? अब ऐसे एक दूसरे के बारे में तकरार करते रहेंगे तो क्या बात करेंगे? हाँ <laughs>